अस्सलाम वालेकुम बच्चों, सोशल स्टडीज़ में आपके दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो है मैप्स एंड ग्लोब्स, यानी मैप और ग्लोब क्या चीज़ है। ग्लोब की शक्ल ये होती है और मैप की ड्राइंग होती है किसी पेपर पे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ग्लोब एंड अ मैप, यानी मैप और ग्लोब में क्या फ़र्क है, ये आपने बताना है। तो इसका मैं आपको आंसर बताऊँगी। A globe shows the earth as a sphere, but a map shows it as flat drawing. The globe is not easily portable, while a map can be folded and carried where we want. यानी नक्शे जो होते हैं इसकी मैप की ड्राइंग होती है, और ये जो ग्लोब होता है वो कहीं पर ले जाया नहीं जा सकता, जबकि मैप को हम फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं। The globe shows the whole earth at a time. पूरी दुनिया को एक दफ़ा दिखाता है जो ग्लोब होता है, बट मैप शोज स्मॉलर पोर्शन ऑफ आइटम ऑन अ फ्लैट पेपर, यानी एक फ्लैट पेपर पर जो कुछ पोर्शन दिखाता है नक्शा।